हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क होता है, आज के सेशन में जानेंगे। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बात करूं, आपको याद होगा जब आपने 11th पढ़ा तो 11th में जो आपने जर्नल, लेजर, कैश बुक और लास्ट में आपने एक फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब बनाया था, तो 11th में जो आपने अकाउंटिंग की वो अकाउंटिंग तब की जाती है जब आप सोल प्रोपराइटर हो। सोल प्रोपराइटर का मतलब आप अकेले काम करते हो, जो पैसा लगाया आपने खुद लगाया, जो रिस्क उठाया आपने उठाया, बिजनेस में प्रॉफिट होगा आपका, लॉस होगा आपका, कोई डिसीजन लिया आपने लेना है उसका कोई रिजल्ट होगा, उसकी लाइबिलिटी भी आपके ऊपर ही आएगी, तो हर चीज आपकी है। लेकिन 12th में क्या होगा कि जब हम कोई पार्टनर बनाएंगे उस समय हमें क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम कोई पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, हम काम करना शुरू करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उस केस में हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जरा एक बार एक रिमाइंडर हो जाए कि 11th में आपने क्या पढ़ा था फाइनल अकाउंट के अंदर, पूरा नहीं, फाइनल अकाउंट। तो याद होगा कि 11th में आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस, वो आप दिखाते थे डेबिट साइड में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट साइड में दिखाते थे, आपको पता होगा। तो आप फाइनल जो फिगर निकलती थी आपकी जनरली वो होता था ग्रॉस प्रॉफिट या सम टाइम क्या होता था ग्रॉस लॉस, ठीक है। फिर इस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते थे पीएनएल अकाउंट, और इसमें जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इधर आ जाता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर लिख देते थे, लॉस आया तो इधर लिख देते थे डेबिट साइड में। और इसके बाद जितने भी को याद होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के बनने के बाद के खर्चे, वो यहां पे रिकॉर्ड किए जाते थे। और फाइनली हम क्या निकालते थे, सम टाइम नेट प्रॉफिट एंड सम टाइम नेट लॉस, ठीक है। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और कुछ अदर इनकम्स जो होती थी वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाते थे बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट में आपको पता है शॉर्ट में लिखूंगा बीएस मतलब बैलेंस शीट, यहाँ पे एल फॉर लाइबिलिटीज, ए फॉर एसेट्स। तो लाइबिलिटी साइड में आप क्या करते थे, जो आपकी कैपिटल होती थी उसके अंदर अगर नेट प्रॉफिट होता था तो ऐड कर लेते थे, और लॉस होता था नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस होता था तो माइनस कर देते थे, दोनों में से एक ही होगा। तो यहां पर आपका किस्सा खत्म, यानी फाइनल अकाउंट्स बन गए। लेकिन जब आप पार्टनर बनते हो तो भाई आपके पास जो ये नेट प्रॉफिट आया है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपका था, लेकिन अब क्योंकि पार्टनर बन गए हैं तो इस प्रॉफिट के एक से ज्यादा हिस्सेदार हो गए। सपोज करो दो पार्टनर हैं तो इस प्रॉफिट के कितने हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे। तो अब एक स्टेप और जोड़ना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट तो जो आया इसको पार्टनर्स में बांटना भी तो है, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपका पहला क्वेश्चन कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, तो याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा इसके बारे, ठीक है। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट होता था हम अब यहां लेके आएंगे, ना कि बैलेंस शीट में, पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, लॉस होगा तो इसलिए आएंगे डेबिट से नेट लॉस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। और फिर इसके अंदर हम पार्टनर्स को जितनी तरह की पेमेंट्स करने वाले हैं डिटेल में बात करेंगे, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितनी तरह के पार्टनर्स को पेमेंट्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स को पेमेंट्स हैं वो हम सारी यहां पर रिकॉर्ड करेंगे इस तरह, ठीक है। तो क्या क्या पेमेंट्स करनी है उसके बारे में पूरा मैं फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। अब पहला क्वेश्चन कि कब बनाया जाता है, जब पार्टनरशिप हो,
क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, और कैसे बनाया जाता है ये आगे हम पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन को डिफरेंस तो खैर मैंने अभी बता भी दिया, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम और जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, यहां पर वर्ड अप्रोप्रिएशन का मतलब ही है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो याद रखना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर जो एक्सपेंसेस थे और यहां पर जो एक्सपेंसेस थे, दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? यहां पर जो एक्सपेंस लिए जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। हमें प्रॉफिट है तब भी पे करने हैं, हमें लॉस है तब भी पे करने हैं। तो यहां पर जो खर्चे लिए जाएंगे वो हमें हर हाल में पे करने हैं, प्रॉफिट के केस में भी और लॉस के केस में भी। लेकिन यहां पर इस जगह पर जो पार्टनर्स को पेमेंट जाएंगी ये तब जाएंगी जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तब पेमेंट नहीं करनी, अनलेस पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन हो कि पेमेंट करनी ही करनी है चाहे लॉस हो। जनरली प्रॉफिट होगा तो उतनी पेमेंट होगी पार्टनर्स को, प्रॉफिट नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगी। डिटेल में जानेंगे आगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए पहले तो डिफरेंस जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। वैसे तो मैंने बेसिक बता दिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला स्टेज कब बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनाते हैं? पी एंड एल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? मैंने अभी बताया, पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, देन बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इस अकाउंट के बाद, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। सो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। पर्पस क्यों बनाया जाता है? तो मैंने वो भी अभी बता दिया था शॉर्ट में। इसका पर्पस तो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका पर्पस है प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को बांटना पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स में प्रॉफिट को पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता। थर्ड एक्सपेंसिस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू दिस। जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जैसे मैंने अभी बताया था, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। लेकिन यहां पर एक्सपेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर्स आर नॉट शोन हियर। यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखाते, बेसिकली पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाती है वो दिखाई जाती है, और वो पेमेंट वैसी वही मैंने बताया कि प्रॉफिट होगा तो पेमेंट होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट एन एक्सपेंस। कि पार्टनर्स की जो पेमेंट है वो एक्सपेंस नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड इज नॉट ऑफ मच यूज हियर। यहां पर पार्टनरशिप डीड की जरूरत ही नहीं है। जब सोल प्रोप्राइटर हो, अकेले हो, तो पार्टनरशिप डीड को क्या करना है, है ना? पार्टनरशिप डीड तो तब बनेगी जब प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप डीड इज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए। थर्ड, इनफैक्ट लास्ट, इनकम टैक्स। फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द बेसिस। भाई इनकम टैक्स देना आपको तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा बेसिस होता है। क्यों भाई? जो नेट प्रॉफिट होता है उसी पे हम अपना इनकम टैक्स जो है पे करते हैं, लेकिन इसमें जो इनकम टैक्स है वो बेस नहीं है, यानी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इनकम टैक्स है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लगता, वो लगता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम टैक्स बेस नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके फॉर्मेट पे। तो चलिए दोस्तों इसके फॉर्मेट को हम डिस्कस कर लें। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए पहले तो हम एक साफ सुथरा एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है और ऊपर लिखेंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। आपको पता है कि ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो लिखे जाते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था शुरुआत हम कहां से करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपके पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को आप यहां पे लिख दोगे, ठीक है। और जस्ट इन केस लॉस है तो यहां पर डेबिट साइड लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस और लॉसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, जो पेमेंट्स हम पार्टनर्स को करने वाले हैं वो रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। कौन कौन सी पेमेंट, एक एक करके समझ लेगा। सबसे पहले पार्टनर की सैलरी, एक होती है पार्टनर की सैलरी, एक होती है इंप्लॉइज की सैलरी। तो दोनों सैलरीज में फर्क है। जो इंप्लॉइज की सैलरी है वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमें हर हाल में देना है। तो जितनी भी इंप्लॉइज की सैलरीज होती हैं वो आपकी सारी की सारी आती है पीएनएल अकाउंट में, और पार्टनर की सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान के चलते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। उन दोनों की जो भी साल की सैलरी होगी, यहां पर जो मैं क्रॉस लिख रहा हूं यहां पर आपने, ठीक है, काम चलाना, तो चलो फिगर से काम चला लेते, थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको समझने में, ठीक है। इसको मान के चलते कि हमारा प्रॉफिट था 4 लाख का प्रॉफिट था, चलिए मान के चलते, फिगर से क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। पार्टनर की सैलरी ए और बी, मान लो एक की सैलरी 20,000 और इसकी भी 20,000, मान के चलते कि दोनों को 20,000 की सैलरी। अच्छा, पार्टनर्स को और क्या मिलता है भाई, कमीशन भी तो मिलती है कभी कभी, तो कमीशन भी दोनों पार्टनर्स की हो सकती है, हो सकता है एक पार्टनर की हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की हो। तो मान लो कि 30,000 रुपया दोनों की कमीशन है, बराबर है। अच्छा, और पार्टनर्स को क्या मिल सकता है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन्होंने पैसा लगा रखा है, यानी जो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मान लो ए और बी को 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अच्छा, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है बोनस पार्टनर्स को। तो बोनस ए और बी को जो भी बोनस होगा, मान लो 20,000 का बोनस, चलो वो भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर टू रिजर्व, अब ये क्या है ट्रांसफर टू रिजर्व। कई बार जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हम ये पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ हिस्सा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको हम फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। जनरली रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए, भाई फ्यूचर को हमें हो सकता है कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसा निकालना शुरू कर देते हैं आज से, भाई थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता रहेगा, जस्ट इन केस फ्यूचर में अगर हमें कोई जरूरत पड़ी, कोई रिप्लेसमेंट करनी है मशीनरी की या बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, किसी तरह का कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, तो जो रिजर्व हमने बना के रखा है उसमें से उस खर्चे को हम पे कर सकते हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, हो सकता है कि हमने उसमें से कुछ पैसा, मान लो 30,000 रिजर्व में भी ट्रांसफर किया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पार्टनर्स को पेमेंट्स जाने वाली हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, ये सारी हमें यहां पर रिकॉर्ड कर देनी है। अब आती इस तरफ, जैसे मैंने कहा था नेट प्रॉफिट, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्या यहां पर इनकम्स रिकॉर्ड होती है, तो इनकम्स के नाम पर यहां पर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको याद होगा कि लास्ट दो सेशन में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन सिखाई थी। तो पार्टनर जो ड्राइंग्स करते हैं उसके ऊपर उन्हें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट देना पड़ता है तो फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इंटरेस्ट एज ए इनकम होती है, तो उसको हम ट्रेड साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मान लो ए और बी ने दोनों ने 25,000 का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, वो हम यहां लिख देंगे। अब फाइनली हमें टोटल करना है। अब इसमें ना एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देते हैं, हालांकि उसमें नहीं दिखानी। क्या क्या चीजें हैं वो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर की रेमुनरेशन, मैनेजर्स रेमुनरेशन, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी दोनों चीजें,
इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर लोन देता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। मैंने आपको बताया था रूल्स के बारे में कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो जो पार्टनर लोन देता है अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को उसको 6% इंटरेस्ट देना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और अगर बनी है रिटर्न में तो जितना उसके अंदर लिखा गया है उतना इंटरेस्ट उसको देना है। ठीक है, वो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट टू पार्टनर, अगर बिल्डिंग कोई ऐसी है जो किसी एक पार्टनर की है तो पार्टनर को रेंट भी देना होता है, तो रेंट टू पार्टनर। और मैनेजर की रेमुनरेशन, पूरा लिख देता हूं रेमुनरेशन। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पी एंड एल प्रोफेशन अकाउंट में नहीं आएंगी, तो कहां आएंगी? ये आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इंटरेस्ट लोन इसमें ले लिया या रेंट टू पार्टनर में ले लिया, भाई ये वो पेमेंट्स हैं जो एज ए एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं, यानी हमें हर हाल में पे करनी ही करनी है। तो ये तीन पेमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर की रेमुनरेशन, इसके अंदर नहीं आएगी, रदर वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंदर। तो कभी क्वेश्चन में आपको ये कोई तीनों में से कोई एक दो या तीनों दी हो तो आप इसमें उसको ट्रांसफर नहीं करोगे, उसके लिए अलग से आप एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाओगे और उसमें उसको दिखा दोगे। आई होप ये क्लियर है। अब करना क्या है फाइनल, हमें इस साइड का टोटल कर लेना है, जो साइड बड़ी है उसका टोटल कर लिया है। जैसे ये टोटल आ गया आपका 4,50,000, भाई 4,50,000 का टोटल है, इसमें से माइनस कर देंगे हम उस साइड का टोटल, ये मैं मिटा रहा हूं, उस साइड का टोटल हम माइनस कर देंगे। तो जरा देख लेते हैं उस साइड का टोटल कितना है, 1,00,000 ये हो गया, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,90,000। तो हमारा ये टोटल आया था 4,50,000, इसमें से पार्टनर्स को जो बाकी पेमेंट्स की हमने वो की 1,90,000। तो बैलेंस बचा हमारे पास 2,60,000 का हमारे पास बैलेंस बचा। तो ये जो बैलेंस बचा इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, याद रखना, ऐसा प्रॉफिट जो अब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हमारा है डिविजिबल डीपी, यानी डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांट देना है, ए और बी जो पार्टनर है, और किस रेशो में बांटना है, क्वेश्चन के अंदर रेशो दी होगी, और जस्ट इन केस रेशो ना दी हो तो आपको बराबर बांट लेना है। तो सपोज करो कि अगर ये बराबर के पार्टनर है तो ये 2,60,000 आधा 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 बढ़ जाएगा, यानी 1,30,000 इसको चला जाएगा तो 1,30,000 इसको चला जाएगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है ये पूरा फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो समझ लो मतलब 70% जंग आपने जीत ली। आपको क्वेश्चंस में फिगर्स दी होंगी, भाई पार्टनर्स को ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, जस्ट आपने देखना है क्या क्या दिया जा रहा है, उसको कहां दिखाना है। तो फॉर्मेट एक बार आपने अपने दिमाग के अंदर छाप लिया तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बस इस फॉर्मेट को आप याद रखोगे। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, कि रिजर्व में हम पैसा जो ट्रांसफर करते हैं फ्यूचर के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं उसको हम रिजर्व कहते हैं। ठीक है, बड़े तरह के रिजर्व होते हैं। अभी हम ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें भी एक दो चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। देखिए रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसमें क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा सकता है कि ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इस तरह से बोला जा सकता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या बोला जा सकता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, या बोला जा सकता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको, आप देखोगे कि इनमें से इन तीनों में से कुछ एक स्टेटमेंट वहां पे होगी, लेकिन तीनों में जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और मान लो मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो करो कि वो 5,00,000, अगर क्वेश्चन में बोला गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन के अंदर 5,00,000 है तो मैं सीधा करूंगा 10% ऑफ 5,00,000 बोले तो 50,000 सीधे सीधे। अगर बोला गया 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहां पर याद रखना डिविजिबल प्रॉफिट यानी
सारे खर्चे निकालने के बाद, यही पार्टनर्स की पेमेंट निकालने के बाद। तो सपोज करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 5 लाख है, और यहां पर पार्टनर की सैलरी, ठीक है, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ठीक है, बाकी जितने भी खर्चे हैं, ये सारे मिलाकर 2 लाख, कितने हैं 2 लाख, रिज्यूम करो 2 लाख है। तो इसने कहा 10% डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको पता होगा डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा हुआ, पार्टनर्स के जितने भी सारे खर्चे हैं जो मैंने यहां बताए वो निकालने के बाद जो बचेगा, तो 5 लाख में से 2 लाख मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना, मेरे पास बचा 3 लाख, ठीक है, कितना बचा 3 लाख, रफली बता रहा हूं। तो मुझे इस 3 लाख का कितने परसेंट ले लेना है, 10% बोले तो 20,000, ठीक है। तो यहां पर पूरे के पूरे प्रॉफिट का 10% लिया, यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट का लिया। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालना है, सारे खर्चे निकालने के बाद, पार्टनर्स की जितनी पेमेंट से निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट। अब बात करते हैं 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो यहां पर एक छोटी सी चेंज करनी है आपको, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी जो पार्टनर्स को रिसीव होगा रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, जो पार्टनर्स को रिसीव होगा, तो सिंपल आप एक काम कर लेना, ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, जब भी लिखो 10% ऑफ नेट, जब नेट की बात हो तो आप सिंपल ये करना 10/5, जो परसेंटेज आपकी ऊपर है वो नीचे 100 में एड कर, अगर ऊपर 20 है तो नीचे हो जाएगा 20/120, ऊपर 30 है तो नीचे हो जाएगा 30/130। कब, जब नेट लिखा हो, नेट मतलब जो पार्टनर्स के हाथ में जाएगा, क्योंकि अभी इस डिविजिबल प्रॉफिट में से अभी भी मुझे रिजर्व माइनस करना है, तो नेट होगा वो रिजर्व निकालने के बाद। तो सिंपल कर लेना कि जो परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में ऐड कर लेना और फिर आपका आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस तरह से जो फिगर बनेगी, जस्ट ए सेकेंड में फिगर आपको निकाल के दे देता हूं, कितनी बनेगी, वो बनेगी 27,270 लगभग 3। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप जो प्रॉफिट जब रिजर्व में ट्रांसफर करोगे अप्लाई करोगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लिखा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है, या 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है, जैसे लिखा होगा वैसे आप इसको निकाल के अपना आंसर लाओ। तो यहां पर क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मुझे लगा कि ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कैपिटल के बारे में बात, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बात, उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमें पीएनएल प्रोविजन अकाउंट भी बनाना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। कोई अगर आपको डाउट है इस सेशन में आज के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।